टीवी के धमाकेदार शो अनुपमा ने एक बार फिर से दम दिखाते हुए टीआरपी लिस्ट में नंबर वन की जगह बना ली है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के अनुपमा में एक बार फिर से कहानी अधिक और पाखी की शादीशुदा जिंदगी की ओर आ गई है। जहां पाखी ने अपनी जिद से अधिक का जीना हराम कर दिया है, तो वहीं अधिक ने भी ब्रेक की डिमांड कर ली है। रूपाली गांगुली के अनुपमा में बीते दिन में दिखाया गया था कि अधिक पाखी से कुछ वक्त के लिए ब्रेक की मांग करता है, जिसे पाखी ब्रेकअप समझ लेती है। वो अपने पिता से मिर्च मसाला लगाकर बातें बताती है। दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा में दूरियां कम होने का नाम नहीं लेती, लेकिन अनुपमा में आने वाले मूड यहीं खत्म नहीं होते हैं। रूपाली गांगुली के शो अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि पाखी से छुटकारा पाने के लिए बरखा पैतरा आजमाएगी। वो पाखी के मन में जहर घोलेगी और उसे ये समझाने की कोशिश करेगी कि अधिक को अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं पाखी भी बरखा की बातों का अलग अलग मतलब निकाल लेगी। अनुपमा की बेटी पाखी अधिक को वॉइस मैसेज में ब्लैकमेल करती है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता है तो ठीक है, वो भी जीना नहीं चाहती। इस बात से घबराकर अधिक अंकुश और बरखा के साथ भागा भागा शाह हाउस पहुंचता है। वहां वो वनराज से पाखी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे ताना मारता है कि बड़ी जल्दी अपनी बीवी की याद आ गई। दूसरी तरफ अधिक और अंकुश की हालत डर से खराब हो रही होती है। अनुपमा में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं ख़त्म नहीं होता है। शो में आगे दिखाया जाएगा कि पाखी के बवाल के चक्कर में बा वनराज से अनुपमा को बुलाने के लिए कहेंगी, लेकिन अनुज वहाँ पहुँच जाएगा और बोलेगा कि अनुपमा नहीं आएगी। इस पर वनराज कहेगा कि उसे आना होगा, जिस पर अनुज जवाब देगा कि इतने हक से मेरी बीवी को तुम बुलाने वाले होते कौन हो। वनराज पाखी को अनुपमा की जिम्मेदारी बताएगा, जिस पर अनुज जवाब देगा वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।